हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, रेडी होके कहाँ साड़ी पहन के, एक्चुअली इंडियन कुछ पहनना था, सूट या साड़ी। तो अद्दू ने कहा मम्मी साड़ी पहनो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी रिसेंट में मैं साड़ी पहनती थी इंडिया में, तो अद्दू को साड़ी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि साड़ी पहनो, इसीलिए मैंने साड़ी पहन ली। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल ईद उल उल अदा, ईद अल अदा। हेलो दोस्तों, तो हमारी ईद हॉलीडेज और बच्चों की लॉन्ग समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और आज देखिए खूब सारा तैयार वैयार होके हम लोग निकल पड़े हैं। आज है रथ यात्रा यहाँ पे इस्कॉन की तरफ से, जो रथ यात्रा होती है ना, लास्ट ईयर भी मैं गई थी और आप लोगों से वीडियो शेयर किया था, तो इस बार भी चल रहे हैं। इस बार मतलब थोड़ा लेट हो रहा है, इस वाले वीकेंड पे नहीं हुआ, हॉलीडेज है तो इस टाइम पे हो रहा है। और जैसे इस्कॉन जो है संस्था, उसमें क्या होता है कि जैसे ये हॉलीडेज आते हैं 4 दिन के, ईद के और नेशनल डे के, ये सब ना, तो वो लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं कीर्तन में। तो कीर्तन फेस्ट बहुत अच्छे, जैसे नॉन स्टॉप 12 घंटे का, 8 घंटे का जो होता है ना, 3 दिन लगातार ऐसा वाला हुआ था ना लास्ट टाइम, तो वो सब वो लोग करते हैं हमेशा ही। तो ये वाले हॉलीडेज का ये लोग ऐसा यूज करते हैं, तो आज भी है इस वाले वीकेंड, इसीलिए मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा कि हॉलीडेज तो आ ही रही है। आज ट्यूसडे है, वेंसडे वेंसडे है। तो इस बार बहुत जगह रथ यात्रा अबू धाबी में, दुबई में, संडे को भी हुआ था, सैटरडे को भी हुआ था, और ये स्कॉन वालों की तरफ से जो होता है वो आज है वेंसडे को। और लॉन्ग हॉलीडेज है और इसमें तो कीर्तन का मजा ही कुछ और रहेगा, नॉन स्टॉप मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक है, 8-9 घंटे का कीर्तन और जो भी होगा वहाँ पे। इस बार मेरे लिए ना बड़ा स्पेशल है ये रथ यात्रा, क्योंकि इस बार ना फ्लाइंग बीस्ट के मैंने वीडियोस देखे और जो दिल में धक धक हुई ना, एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो गए वो दर्शन करके। उन्होंने जैसे आप ब्लॉग्स देखे होंगे उनके, आप लोगों ने, काफी लोगों ने तो देखे ही होंगे, फ्लाइंग बीस्ट को कौन नहीं देखता है मेरे ख्याल से। तो वो मतलब फीलिंग जो समझ में आया, जो स्टोरी बताई, उसके बाद मैंने गूगल करके भी काफी पढ़ा इसके बारे में, और भगवान जगन्नाथ के प्रति जो श्रद्धा आई है ना, और जो चीजें समझ में, जब आपको पता ही नहीं रहता कुछ भी ना, तो आप इतना नहीं समझ पाते हो। जैसे लास्ट ईयर मैं गई थी तो मैं सच बता रही, उस तरीके से नहीं कि उस रथ को खींचना, उस रस्सी को पकड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या श्रद्धा होती है उसमें, क्या भावना होती है। मैं लास्ट ईयर गई थी लेकिन वो चीजें मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन इस बार मुझे पता है। तो इस बार भी रथ यात्रा होगी, ये तो मुझे था कि भाई मैं जाऊंगी और देखेंगे। वीकेंड पे ही था लेकिन अभी आज बुधवार को हो रहा है तो और अच्छा है, हॉलीडेज हैं और आर सब लोग रिलैक्स रहेंगे, मेरे ख्याल से भीड़ ज्यादा होगी इसके चक्कर में। तो चलते हैं, बच्चे लोग भी एकदम मस्त एक्साइटेड हैं। जय जगन्नाथ की, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कितना धुंध हो गया देखो, ये डेजर्ट में ये सैंड उड़ रहा है, पूरा धुंधला धुंधला, मतलब आसमान एकदम जैसे लग रहा है कि बादल गिरे हुए हैं, बादल नहीं है, पूरा धूप ही छुप गया है पूरा। कैसा लग रहा है देखो, ये देखिए बहुत सारा चप्पल, हम भी यहीं पे चप्पल निकालेंगे, पार्किंग में ये एरिया है। पहले इधर दर्शन हुए। हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अब लगा कि ब्रेकफास्ट करके आएंगे। कृष्णा हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे और अब समय आ गया है भगवान जगन्नाथ को ऐसे झूले की तरह झुलाते हुए ना मतलब उछलाते हुए रथ में बैठाते वो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। तो ये वाला ना रिजेंट स्कूल है अलबरसा वाला, मैंने शायद वीडियो में मेंशन नहीं किया, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और ये ना दो कमरे थे, बड़ा बड़ा हॉल था, एक में ऐसे यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था बहुत अच्छा अच्छा, भगवान जी का रथ बनाया हुआ था सारे भगवान जी एक साथ, और एक में अलग से रथ रखा हुआ था। तो बस इस वाले आगे वाले जो आने वाले क्लिप है ना उनको देखिए और बहुत ही अद्भुत फीलिंग आएगी। सिंबॉलिक तौर से यहाँ पे रथ यात्रा मनाई गई लेकिन एकदम अद्भुत फीलिंग आती है, एकदम अद्भुत लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम लोग पुरी में ही हैं। और आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। जय जगन्नाथ, और वीडियो को पूरा वॉच करिए।
वाइफ फोन। क्या भीड़ है यार। जगन्नाथ अष्टकम् कहाँ 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हर राम हरे राम 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 हरे। तो बस हम लोग निकल पड़े वहां से, जो रीजेंट स्कूल है ना, यहां से मॉल ऑफ एमरेट बहुत पास में था, और मॉल ऑफ एमरेट के पास ना दूसरी साइड में ये वाला एक मॉस्क है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ही मैं इस तरफ जब आती हूँ ना तो इसको देखती हूँ, रेड रेड कलर में है और बढ़िया वेदर है तो और भी मतलब दूर से ही बहुत सुंदर लगता है। जस्ट मॉल ऑफ एमरेट के आसपास का एरिया ही है। और यहाँ पे देखिए, मॉल में आ गई थी तो मैंने कहा थोड़ा एक रील वील बनाते हैं। अंश से मैंने कहा कि साड़ी पहन के मॉल में आना कभी कभी हो पाता है, क्योंकि कहीं गए हो मंदिर और इधर उधर ना, तो इसलिए अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए, ये प्रसाद मिला था वहाँ पे जो हम लोग निकल रहे थे, तो वो सब लेके और थोड़ा बहुत कुछ चाट वाट था मुझे कि यहाँ बैठे हैं तो कुछ ले लेते हैं। और वैसे ये अपने आप में ये जो पुलाव था ना, वेजिटेबल बिरयानी टाइप था, बहुत ही टेस्टी था, रायता था बूंदी का, तो भर पेट खाया हम लोगों ने आराम से। और आजकल इतनी गर्मी है कि अंदर ही खाओ तभी सही है। भूख बहुत तेज़ लगी थी, मैंने कहा पहले कहीं बैठ के खा लेते हैं उसके बाद घर चलते हैं। तो बस ये देखिए चाट हमारी आ गई, एक समोसा चाट है और एक पापड़ी चाट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।